दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग की तरफ से लॉन्च किए गए एक नए स्मार्टफोन के बारे में और उससे जुड़े हुए पेड और फेक रिव्यूज के बारे में। सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी M02S कल लॉन्च किया गया है। जब मैंने इस फोन के स्पेसिफिकेशन देखे भाई मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया फोन। कुछ कुछ स्पेसिफिकेशन तो ऐसे हैं जो आपको आज से 3 साल पहले वाले फोन्स में मिलते थे, वो स्पेसिफिकेशन यहां पर दिए गए हैं। प्राइस पॉइंट 10,000 रुपए रखा गया है और बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको 10,000 के प्राइस पॉइंट पर मिलती है लेकिन इस फोन के अंदर आपको नहीं दी गई है। तो मेरे को ऐसा लगा भाई कि इस फोन को तो मैं किसी भी तरह के तरीके से आपको रिकमेंड नहीं कर सकता हूं। फिर मैं यूट्यूब पर गया, मैंने वहां पर अनबॉक्सिंग देखी, रिव्यूज देखे, जो हमारे बड़े यूट्यूबर्स हैं उनके रिव्यूज देखे और उनके रिव्यूज देखने के बाद में आई वॉज लिटरली शॉक्ड कि वो लोग इस फोन की तारीफ कर रहे हैं। मतलब बहुत सारे लोग उनमें से ऐसे थे जिन्होंने इस फोन में जो खराब चीजें मिलती है या तो उन चीजों की बात नहीं करी है, लेकिन कुछ महाशय तो ऐसे भी थे भाई जिनने उन चीजों की तारीफ कर दी है। और उसके बाद में मेरे को ऐसा लगा भाई कि ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इन लोगों को देख करके हम लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, इनके रिव्यूज देख करके हम फोन परचेस करते हैं, तो भाई ये इनका फर्ज बनता है कि भाई हमको सही चीजें बताई जाए। खैर मैं किसी का भी विरोध नहीं कर रहा हूं, उनको भाई इस चीज का पैसा मिलता है, जिस चीज का आपको पैसा मिलता है वो चीज आप करते हो, आई एम नॉट against them, but आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इसी फोन से जुड़ी कुछ ऐसी चीजों के बारे में जिसके बारे में ना Samsung ने बात करी है ना बड़े यूट्यूबर्स ने बात करी है, लेकिन वो चीजें आपकी परचेस को अफेक्ट कर सकती है और इस फोन को एक नॉट रिकमेंडेड फोन बनाती है। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट कर लेते हैं। लाइक टारगेट अपन रखते हैं मात्र 300 लाइक्स का, आई होप आप कंप्लीट कर ही दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते भाई बातचीत को और सबसे पहले हमेशा की तरह बात कर लेते हैं फोन के बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन का। बिल्ड क्वालिटी जैसी एम सीरीज में आपको मिलती है वैसी ही मिलने वाली है। प्लास्टिक का बैक दिया गया है, प्लास्टिक की फ्रेम दी गई है, फ्रंट में आपको ग्लास प्रोटेक्शन मिलता है। डिजाइन की अगर बात करते हैं टॉप लेफ्ट में रेक्टेंगल शेप कैमरा सेटअप मिलता है जो कि गैलेक्सी की मोस्ट ऑफ द फोन्स में आपको मिलता है। उसी के साथ में सैमसंग की ब्रांडिंग पीछे की तरफ मिलती है। फिंगरप्रिंट स्कैनर यहां पर ना तो आपको साइड में मिलता है ना बैक में मिलता है, मतलब नो फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर इन दिस फोन। उसी के अलावा अगर फ्रंट में बात करते हैं तो इन्फिनिटी वी डिस्प्ले मिलती है, मतलब वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में आता है। ठीक ठाक साइज की चेन यहां पर आपको मिलती है, ब्लैक ब्लू रेड कलर में आपको फोन मिलता है। तो भाई बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के हिसाब से तो ठीक ठाक फोन लगता है मेरे को। मेन बात आती है डिस्प्ले की, यहां पर आपको दिया गया है 6.5 इंचेस का डिस्प्ले। ठीक है साइज अच्छा दिया गया है, HD प्लस रिजोल्यूशन मिलता है, उससे भी आप काम चला सकते हो कि भाई 10,000 के फोन में HD प्लस डिस्प्ले आप काम चला सकते हो, लेकिन यहां पर आपको PLS TFT पैनल दिया गया है। सुपर एमोलेड तो छोड़ो, एमोलेड तो छोड़ो, IPS LCD भी यहां पर नहीं दिया गया है भाई, यहां पर आपको PLS TFT पैनल दिया गया है जो आज से 3-4 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, वो डिस्प्ले आपको इस फोन के अंदर दिया गया है। और इसके बारे में किसी भी यूट्यूबर ने बात नहीं करी कि यहां पर डिस्प्ले पैनल उतना अच्छा आपको नहीं मिलता है जितना इससे कम बजट वाले फोन्स में आपको देखने को मिलता है। तो ये एक मेजर ड्रॉबैक है इस फोन का कि यहां पर आपको PLS TFT पैनल दिया गया है। 20:9 का आपको एस्पेक्ट रेशो मिलता है, 270 PPI की पिक्सल डेंसिटी मिलती है, 60Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है। मेरे हिसाब से डिस्प्ले के मामले में एक खराब फोन है भाई, यहां पर एटलीस्ट IPS LCD पैनल आपको दिया जाना चाहिए था। चलो डिस्प्ले से एक बार आप काम चला भी लेते हो, आज की तारीख में अगली चीज क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के लिए यहां पर दिया गया है आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 450 चिपसेट, समझ रहे हो, 450 चिपसेट, 14 नैनोमीटर पर बना हुआ चिपसेट है, 2 या 3 साल पहले लॉन्च हुआ था। 14 नैनोमीटर का चिपसेट पहले ही एनर्जी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बिगाड़ देगा, बहुत ज्यादा बैटरी आपके फोन की खाएगा। परफॉर्मेंस की अगर बात करते तो 1.8 गीगाहर्ट्ज की पीक क्लॉक स्पीड देता है, A53 वाले कोर्स मिलते हैं, मतलब CPU की परफॉर्मेंस आपको ठीक ठाक मिल जाएगी, फोन हैंग भी होगा आपका। और GPU की अगर बात करते हैं Adreno 506 GPU यहां पर मिलता है जो कि गेमिंग में हक देगा भाई, हल्के फुल्के गेम आप कर पाओगे, लेकिन अगर बड़े गेम आपने चला लिए तो भाई फोन हैंग कर देगा और गेमिंग की परफॉर्मेंस आपको एकदम खराब मिलेगी। और भाई इसके स्पेसिफिकेशंस को देखते हुए भाई मेरी एनर्जी खुद डाउन हो गई है कि यार सैमसंग की तरफ से ऐसा क्या फोन लॉन्च किया गया है कि यहां पर ना तो आपको डिस्प्ले अच्छा दिया गया है ना परफॉर्मेंस यहां पर आपको अच्छी मिलने वाली है। रैम कौन सी मिलेगी ये चीज सैमसंग की तरफ से नहीं बताई गई है, लेकिन स्टोरेज जो है वो आपको eMMC 5.1 वाली स्टोरेज मिलती है। मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस के मामले में ये फोन बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल भी अप टू द मार्क परफॉर्मेंस यहां पर आपको नहीं मिलेगी। इससे कम बजट में आपको G35 वाले फोन मिल जाते भाई, कल लावा ने फोन लॉन्च किए हैं G35 चिपसेट के साथ में किए हैं, उसमें आपको बेटर परफॉर्मेंस मिल जाएगी, लेकिन 450 चिपसेट, 3 साल पुराना चिपसेट इस फोन के अंदर यूज किया गया है। आई डोंट गेट इट कि सैमसंग के दिमाग में क्या चलता है और वो कैसे ऐसे फोन लॉन्च कर देता है और भाई लोग परचेस भी कर लेते हैं। तो थोड़ा सा आपको जागृत होने की जरूरत है भाई, थोड़ा सा परफॉर्मेंस पर ध्यान दो, फोन के अंदर चिपसेट क्या दिया गया है, कोई ब्रांड आपको पागल तो नहीं बना रहा है, क्योंकि सैमसंग की तरफ से भाई मोस्ट प्रोबेबली आपको हमेशा ओवर प्राइस फोन देखने के लिए मिलते हैं। खैर बैक टू ट्रैक, स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं।
कैमरास पे अगर बात करें तो यहां पर ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप आपको मिलता है, जहां पर 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, साथ ही में 2-2 मेगापिक्सल के दो छोटू यहां पर दिए गए हैं डेप्थ सेंसिंग और मैक्रो कैमरा के साथ में। अब भाई 2-2 मेगापिक्सल के कैमरास तो यूं भी काम नहीं करते हैं, यहां पर आपको एक 13 मेगापिक्सल का एवरेज कैमरा दिया गया है, 1080 पिक्सल्स में आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 30 FPS पर। फ्रंट में अगर बात करते हैं तो फ्रंट में तो सैमसंग ने बुरी तरीके से हगा है भाई, 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया है, मात्र 5 मेगापिक्सल का। आज की जनरेशन जो ऑनलाइन क्लासेस के लिए फोन ले रही है, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए फोन ले रही है, एटलीस्ट सेल्फी कैमरा थोड़ा सा अच्छा यहां पर मिलना चाहिए। एक 10,000 के फोन में आपको मात्र 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया है, कल लावा ने आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है सेल्फी में, यहां पर आपको 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। तो कैमरा मॉड्यूल भी भाई इस फोन का मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, बहुत ज्यादा एवरेज, मतलब मैं तो बोलूंगा बिलो एवरेज कैमरा सेटअप यहां पर दिया गया है। आगे चल के बात करते हैं बैटरी की, बैटरी का साइज यहां पर आपको अच्छा दिया गया है, 5000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है जो आपको बैकअप अच्छा खासा दे देगी। लेकिन अगर भाई बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो ये जो फोन है 15 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है और बॉक्स के अंदर आपको 7.5 वॉट का चार्जर दिया गया है। 7.5 वॉट का चार्जर, मतलब एटलीस्ट 10 वॉट का चार्जर तो देते भाई, 15 वॉट नहीं देना था, 10 वॉट चार्जर दे देते, यहां पर 7.5 वॉट का चार्जर दिया गया है, मतलब 5000 mAh की बैटरी को 7.5 वॉट के चार्जर से भरने में आप समझ लो 2-2.5 घंटे आपको लग जाएंगे। बैटरी के मामले में भी खराब काम किया गया है। अब जैसा मैंने आपको बताया प्राइस पॉइंट इसका 10,000 के आसपास है, अब अगर आप 15 वॉट का चार्जर लेते हो, सैमसंग का सर्टिफाइड चार्जर लेते हो, तकरीबन 800-1000 रुपए का चार्जर लोगे और ये फोन आपको पड़ जाएगा 11,000 रुपए के आसपास, अगर इस फोन का आपको फुल पोटेंशियल पर यूज करना है। आई डोंट गेट इट कि सैमसंग ने 7.5 वॉट का चार्जर यहां पर क्यों दिया है, एटलीस्ट 10 वॉट का दे देते तो ही अच्छा रहता। बैटरी मॉड्यूल भी मेरे हिसाब से यहां पर खराब है। टाइप सी वाला पोर्ट हालांकि दिया गया है और 3.5mm जैक भी यहां पर आपको मिल जाता है, फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर भी यहां पर आपको नहीं मिलता है। जी हां, इसके अंदर आपको फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलता है, फेस अनलॉक का ऑप्शन जरूर से यहां पर आपको मिल जाता है, एंड्रॉइड 10 के ऊपर आपको फोन मिलता है, 1UI कोर का सपोर्ट यहां पर आपको मिलता है और एक्सपेंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन आपको मिलता है। 3GB प्लस 32GB वाला वेरिएंट है भाई 8,999 रुपए का और 4+64 है 9,999 रुपए का। मेरे हिसाब से टोटली नॉट रिकमेंडेड फोन है, क्योंकि यहां पर आपको TFT डिस्प्ले दिया गया है, पहली बात जिसके बारे में यूट्यूबर्स ने बात ही नहीं करी है कि यहां पर आपको डिस्प्ले पैनल काफी खराब दिया गया है। परफॉर्मेंस में भाई उन लोगों ने बोला गेमिंग की परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाती है, डे टू डे की परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाती है, बट मैं नहीं मानता भाई। 14 नैनोमीटर का चिपसेट दिया गया है यहाँ पर, 1.8GHz की क्लॉक स्पीड वाला, आई डोंट थिंक कि आज की जो हैवी एप्लीकेशन है, हैवी गेम्स है, उनको ये चिपसेट हैंडल कर पाएगा। तो मेरे हिसाब से चिपसेट में भी खराब काम किया गया है, बिलो एवरेज कैमरा सेटअप मिलता है, बैटरी का साइज भले से अच्छा दिया गया है लेकिन चार्जिंग टेक्निक खराब दी गई है, चार्जर खराब दिया गया है। तो मेरे हिसाब से भाई ये फोन सभी चीजें तो इसमें खराब ही मिल रही है आपको, क्या अच्छा मिलता है इसके अंदर, मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रही, और कैसे वो लोग इस फोन को रिकमेंड कर रहे हैं ये चीज भी मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। थोड़ा सा मेरा दिमाग भी खराब है आज भाई, इसीलिए आपको एनर्जी भी डाउन लग रही होगी वीडियो के अंदर, क्योंकि भाई ये एक इन्फ्लुएंसर का काम होता है कि जो उसकी ऑडियंस है उसको सही चीजें सजेस्ट करे। अगर आपके रिव्यूज देख करके कोई फोन परचेस करता है तो उसको सारी चीजें बताओ भाई कि इसके अंदर आपको क्या चीजें अच्छी मिलती है, क्या चीजें खराब मिलती है। और आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है कि भाई जो सेम डे रिव्यूज रहते हैं, जिस दिन फोन लॉन्च होता है उसी दिन की जो अनबॉक्सिंग्स होती है, उसी दिन के जो रिव्यूज होते हैं, उनको देख करके कभी भी फोन परचेस मत करना, थोड़े टाइम रुकना, उन रिव्यूअर्स के भी वीडियोस देखना जो लोग खरीद के परचेस करते हैं, जो आपको ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, आप उन लोगों के वीडियोस देखने के बाद में अपना डिसीजन बनाने कि आपको कौन सा फोन लेना है। ये फोन मेरी तरफ से टोटली नॉट रिकमेंडेड है, अगर आपका थोड़ा सा भी विचार था कि यार ये फोन मैं लेने जाने वाला हूं, बिल्कुल मत जाना भाई, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गए इस फोन को लेने के बाद में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो ने आपकी हेल्प करी होगी, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, और भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।